नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे निर्धनता के बारे में। एक नया चैप्टर है, निर्धनता, पॉवर्टी, गरीबी, देखते हैं इसके संबंध में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर गरीबी होती क्या है, इसकी परिभाषा, इसे कैसे परिभाषित करेंगे, निर्धनता क्या है ऐसा बोलेगा तो सीधा सीधा बात यह है कि गरीबी या निर्धनता एक ऐसी आर्थिक वंचना है, एक ऐसी सामाजिक वंचना है जिसमें कोई मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि वस्त्र, भोजन और आवास की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, गरीबी एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक वंचना है जिसमें कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास और वस्त्र की पूर्ति करने में असमर्थ होता है, उसे गरीबी कहा जाता है। आत्मर्य सेन ने भी इसके संबंध में बताया है, प्रोफेसर आत्मर्य सेन ने कहा है कि गरीबी जो है वो दक्षता का अभाव है। नीति आयोग ने भी इसके संबंध में एक परिभाषा दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। गरीबी क्या है? तो गरीबी जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य के लिए साथ ही दक्षता के लिए ये तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नीति आयोग ने बताया है कि गरीबी जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और दक्षता के लिए जो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति ना कर पाना है, कि पूर्ति नहीं कर पाना। तो गरीबी हिसाब से नीति आयोग के तहत क्या है कि जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दक्षता के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति ना कर पाना ही गरीबी कहलाता है। अब इसका क्या मतलब होता है इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य के लिए, दक्षता के लिए, उसको देखते हैं। नीति आयोग ने इसको भी सुझाया है। देखिए, बताया गया है जीवन के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है जीवन जीने के लिए। पहला, पानी चाहिए और दूसरा भोजन चाहिए। हवा तो वैसे भी हमें मुफ्त में मिलता ही है, तो जीवन जीने के लिए बताया कि पानी और भोजन की आवश्यकता है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला है पोषण की ज़रूरत पड़ेगी, पोषण के साथ साथ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन की आवश्यकता है, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें बताया है नीति आयोग ने। तीसरी बात, दक्षता के लिए। तो दक्षता के लिए हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता है? दक्षता के लिए चाहिए आवास, वस्त्र के साथ शिक्षा के साथ योग्यता, और सबसे जरूरी चीज़ है कानून व्यवस्था। तो देखिए, अगर इन चीज़ों का अभाव हो तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? गरीबी कहेंगे। क्लियर हुआ आपको? मैंने दो तीन तरीके से परिभाषा बताया है, अब जिस हिसाब से भी आप चाहें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गरीबी के प्रकार के बारे में जानते हैं। गरीबी के प्रकार देखिए, इसको दो तरीके से हम पढ़ते हैं। पहला होता है निरपेक्ष गरीबी और दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या है और सापेक्ष गरीबी क्या है इसको देखते हैं। देखिए, निरपेक्ष गरीबी क्या होता है कि इस तरह की गरीबी में जो मनुष्य होता है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यानी कि आवास, वस्त्र और भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ होता है, तो उस स्थिति को हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। या यूँ कहें कि जनसंख्या का वह स्तर जो अपने न्यूनतम उपभोग स्तर के नीचे जीवन यापन करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। और इसे मापने के लिए हम हेड काउंट मेथड का प्रयोग करते हैं, साथ में एक था ट्रिकल डाउन मेथड, उसका भी प्रयोग करते थे, लेकिन अब ये वर्तमान में नहीं है, इसी का यूज़ करते हैं, ट्रिकल डाउन मेथड। और इस तरह की जो गरीबी होती है वो भारत जैसे देशों में यानी कि विकासशील देशों में पाई जाती है।
अब बात करते हैं सापेक्ष गरीबी के बारे में। तो सापेक्ष गरीबी क्या होता है, देखिए सापेक्ष गरीबी का संबंध है आय की असमानता से, आय की असमानता, आय की असमानता से इसका मुख्य संबंध है सापेक्ष गरीबी का। जो सापेक्ष गरीबी होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक असमानता को प्रदर्शित करता है, या यूं कहें कि जो सापेक्ष गरीबी है वो विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों, प्रदेशों और देशों के बीच आय की असमानता का तुलनात्मक अध्ययन प्रदर्शित करता है, ये होता है सापेक्ष गरीबी। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो जापान की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बहुत ही कम है, तो ये सापेक्ष गरीबी वाला एक वाक्य होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं इसको कैसे मापते हैं। तो इसको मापने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉरेंज कर्व का, या लॉरेंज वक्र का, और गिनी गुणांक का। इन दोनों को भी मैं आपको क्लियर समझाऊंगा, गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। तो अब इनको मापने के तरीके को देख लेते हैं कि हेड काउंट मेथड क्या है, ट्रिकल डाउन मेथड क्या है, और लॉरेंज वक्र क्या है, और गिनी गुणांक क्या है, तो ये हमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं हेड काउंट मेथड से। हेड काउंट मेथड देखिए भारत में जो गरीबी के जो आंकड़े होते हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं NSSO द्वारा, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। तो संगठन इसके द्वारा क्या दिया जाता है, गरीबी के संबंध में आंकड़े जारी किए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम जान लेते हैं हेड काउंट मेथड के बारे में। तो हेड काउंट मेथड क्या होता है कि इसमें लोगों के उपभोग के लिए एक न्यूनतम निर्णायक खर्च तैयार किया जाता है। ध्यान रखेंगे, लोगों के उपभोग के लिए एक न्यूनतम निर्णायक खर्च तैयार किया जाता है। अब उस खर्च के नीचे जो जीवन यापन करता है वो गरीब है, और जो उस खर्च के ऊपर जीवन यापन करता है वो गरीब नहीं है। और ये जो निर्णायक रेखा है वो ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर अलग अलग निर्धारित की जाती है। शहरी स्तर पर अलग होता है और यह ग्रामीण स्तर पर अलग होता है। इन दोनों को ध्यान रखेंगे कि हेड काउंट मेथड क्या होता है। तो हेड काउंट मेथड में लोगों के उपभोग के लिए एक न्यूनतम निर्णायक खर्चा तैयार किया जाता है, और उस खर्चे के नीचे जो जीवन यापन करते हैं वो गरीब कहलाते हैं, और उस खर्चे के ऊपर जो जीवन यापन करते हैं वह गरीब नहीं कहे जाएंगे। और ये जो रेखा है, ये जो स्तर है, वो शहरी स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी में ट्रिकल डाउन मेथड के बारे में। रिसाव का सिद्धांत, हिंदी में उसको बोलते हैं रिसाव का सिद्धांत, ट्रिकल डाउन मेथड। देखिए ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका यूज़ पहले किया जाता था लेकिन अब ये उतना कारगर नहीं है, तो वो हेड काउंट मेथड को ही यूज़ करते हैं, फिर भी समझ लेते हैं। ट्रिकल डाउन मेथड में ये समझा गया था कि एक अच्छी जीडीपी, मतलब जीडीपी में एक अच्छा वृद्धि दर भारत में गरीबी को कम कर सकता है। ये समझा जाता था कि जीडीपी में अगर अच्छी वृद्धि दर हो रही है तो वह भारत के गरीबी को कम करने में सहायक होगी, हेल्पफुल होगी। इसमें समझा जाता था कि यदि हम उद्योग लगाएं, उद्योग और उद्योग में उत्पादन बढ़ा देते हैं, तो उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, रोजगार तो बढ़ेगा ही, और यदि रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय भी बढ़ेगी, और यदि आय बढ़ेगी तो लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः ही कर लेंगे। ऐसा समझा जाता था कि यदि उद्योग बढ़ाते हैं, उद्योग में उत्पादन बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, और आय बढ़ने पर लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः ही कर लेंगे। यानी कि सीधा सीधा ये है कि ये जो गरीबी है वो जो आय है वो रिस करके गरीबों तक पहुंच जाएगा, ऐसा यहाँ पे समझा जाता था। तो ये ट्रिकल डाउन मेथड था, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉरेंज कर्व के बारे में और
गिनी गुणांक के बारे में। लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र, ठीक है। देखिए लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन लॉरेंज ने किया था। इसमें क्या होता है कि जो आय की असमानता है उसको समझा जा सकता है। जैसे देखिए हम यहाँ दो तरह से लॉरेंज वक्र बनाएंगे, एक बनाएंगे आदर्श वाला और दूसरा बनाएंगे वास्तविक वाला। तो सबसे पहले हम आदर्श वक्र की चर्चा कर लेते हैं। देखिए लॉरेंज साहब ने यह बताया है कि जो आदर्श लॉरेंज वक्र है वो 45 डिग्री का एक एंगल बनाएगा, एक कोण बनाएगा। इसमें क्या होता है कि आय और जनसंख्या के बीच संबंध को देखा जा सकता है। लॉरेंज साहब ने ये बताया कि जो आदर्श लॉरेंज वक्र है उसमें जितने परसेंट लोग होंगे उतने परसेंट उनको आय का हिस्सा प्राप्त होगा। यदि 10% लोग हैं तो उनको आय का 10% हिस्सा प्राप्त होता है, 20% लोग हैं तो उनको आय का 20% हिस्सा प्राप्त होगा, 30% है तो उनको आय का 30% हिस्सा मिलेगा। इस तरह से 90% लोगों को आय का 90% हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आय की असमानता नहीं देखी जा रही है, इसमें जो आय है उसका समान वितरण है यह हमें पता चल रहा है। सीधा सीधा बात यह है कि इस तरह का जो आदर्श लॉरेंज वक्र है वह कहीं देखने को नहीं मिलता है। अगर हम देखें तो ऐसा कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। और अगर लॉरेंज वक्र बनता है तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा ये आदर्श लॉरेंज वक्र है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग वास्तविक लॉरेंज वक्र के बारे में। वास्तविक लॉरेंज वक्र, तो वास्तविक लॉरेंज वक्र होता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें 45 डिग्री का एक कोण बनता है, ये कहलाता है आदर्श या वास्तव आदर्श रेखा, मान लेता हूं इसको मैं आदर्श रेखा। देखिए अब यहां मैं आय लिखता हूं इस तरफ और इस तरफ लिखूंगा जनसंख्या। यहां क्या होता है कि एक कर्व बनता है, इस तरह से कर्व बनेगा। इस कर्व में यह कर्व बना। देखिए अगर इसमें हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि जनसंख्या जो है वो करीबन 30% जनसंख्या को 10% आय भी हमें नहीं मिल पा रही है। उसी तरह से लगभग आधी जनसंख्या को आय का मात्र 20% हिस्सा ही मिल रहा है। और अगर ये कर्व जितना जनसंख्या की ओर झुकते जाएगा उतना ही असमानता बढ़ते जाएगा, या यूं कहें कि कर्व जितना आदर्श रेखा से दूर होता जाएगा आय की असमानता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे, अगर मैं यहाँ एक और कर्व बना देता हूँ तो आय की असमानता और भी बढ़ जाएगी, सापेक्षिक गरीबी की जो है वो और भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे वास्तविक जो लॉरेंज वक्र है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो दो तरह के वक्र हमने पढ़ा इसमें, आदर्श और वास्तविक लॉरेंज वक्र, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं गिनी गुणांक के बारे में। गुणांक तो ये इसी में मैप में आपको समझा देता हूं मैं, ग्राफ में गिनी गुणांक क्या होता है। गिनी गुणांक देखिए, गिनी गुणांक यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि लॉरेंज का गणितीय मान निकालने के लिए ही हम गिनी गुणांक का प्रयोग करेंगे। लॉरेंज वक्र का या लॉरेंज कर्व का गणितीय मान निकालने के लिए ही हम गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये आदर्श रेखा है, इस आदर्श रेखा से ये जो वास्तविक रेखा बना हुआ है ये वास्तविक रेखा है, ध्यान रखेंगे ये वास्तविक रेखा है या छायांकित क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। तो और ये वाला जो है ये कुल क्षेत्र है, आदर्श से ये कुल क्षेत्र है और यहाँ से ये जो वास्तविक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को मैं नाम दे देता हूँ ए और इस क्षेत्र को नाम दे देता हूँ बी। कुल क्षेत्र बी है और जो वास्तविक क्षेत्र है वो ए है। तो किसी देश का आदर्श रेखा से बना वास्तविक क्षेत्र और किसी देश का आदर्श रेखा से बना हुआ कुल क्षेत्र, जो कुल क्षेत्र होता है वो हमेशा हर में आता है और जो वास्तविक क्षेत्र होता है वो हमेशा
अंश में आएगा। जैसे देखिए, अगर इसको ऐसा लिखा जाए, गिनी गुणांक कैसे निकालता है, गिनी गुणांक कैसे आए कि असमानता को दर्शाता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आदर्श से वास्तविक क्षेत्र और यहाँ आदर्श से कुल क्षेत्र, तो ये दो चीज़ें हैं, आदर्श से वास्तविक क्षेत्र और आदर्श से कुल क्षेत्र। तो हम इसको एक मान अंकित कर देते हैं, मान लीजिए ये जो छायांकित क्षेत्र है इसका मान 10 है और इसका मान 100 है, टोटल का मान 100 है और इसका मान 10 है, तो ये क्या होगा, आदर्श से वास्तविक क्षेत्र का मान कितना है, 10 है, आदर्श से कुल क्षेत्र का मान है 100, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1। तो देखिए आय की असमानता के बारे में बताते जा रहा है ये। अब अगर ये मान लीजिए 20 हो जाता है तो 0.2 हो जाएगा, 30 हो जाता है 0.3 हो जाएगा, जितना ज़्यादा मान बढ़ेगा उतना ज़्यादा आय की असमानता बढ़ेगी। अगर ये 1 हो जाता है, मान अगर 1 हो जाता है, तो मान लीजिए कि आय की असमानता सर्वाधिक है। अब 1 कैसे होगा, 1 होने के लिए देखिए जो कर्व है, मान लीजिए कर्व इसी के समानांतर बन जाता है, इसी में बन जाता है या जनसंख्या में ही कर्व बन जाता है, यानी कि यह होगा कि एक ही व्यक्ति के पास आय का सर्वाधिक भाग उपस्थित है, मतलब आय की सर्वाधिक विषमता वहां पे सामने आएगी। और मान लीजिए आय जो कर्व है वो इसमें वास्तविक रेखा में बन जाता है, आदर्श रेखा में बन जाता है कर्व, तो इसका मान फिर शून्य आएगा, और शून्य आने का मतलब होता है कि आय की असमानता नहीं है या शून्य है। ओके, ठीक है। तो देखिए, गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र, ट्रिगल डाउन मेथड और हेड काउंट मेथड को मैंने क्लियर कर दिया है, और इसके संबंध में जो भी आगे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं बना के आपको बताऊंगा। यदि आपको समझ नहीं आया हो या कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।